शर्म ना एहसास, एहतराम रमजान और ना ही खौफ खुदा। रमजान मुबारक आते ही महंगाई का जिन बेकाबू, आसमान को छूती कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। सब्जियां फ्रूट कुछ भी सस्ता ना रहा। मस्नूई महंगाई के जरिए लूट मार की खुली छूट दे दी गई, शहरी परेशान। खजूर माह सयाम में हर दस्तरखान का लाजमी हिस्सा। खजूर की मांग बढ़ते ही कीमत ने भी तेजी पकड़ ली। गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल खजूर की कीमत में 50% तक इजाफा हुआ। मुर्गी वीआईपी हो गई। कोटद्दू में मुर्गी का गोश्त सोने के भाव बिकने लगा। मुर्गी का गोश्त खरीदना आम आदमी की बस की बात न रही। रमजान के दूसरे अशरे में ईद की तैयारी भी जोर पकड़ने लगी। कपड़ों की सिलाई के लिए शहरियों की दर्जियों से जंग भी शुरू। मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए दर्जियों ने सिलाई के दाम बढ़ा दिए, शहरी सर पीट कर रह गए। हालिया बारिशों, जालाबारी और तूफानी हवाओं से गंदम की फसल तबाह। तैयार फसल की कटाई का अमल लटक गया, किसान परेशान। पैदावार में कमी का खदशा जाहिर कर दिया गया। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी, लैया में तजावजात की भरमार। सड़कें और बाजार सुकड़ गए। गाड़ी चलाना दूर की बात, पैदल चलना दुश्वार हो गया। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। उच्च शरीफ में सफाई का निजाम दरहम बरहम। सड़कों पर गंदगी के अंबार लग गए। तआफ़ुन उठने के सबब शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। कश्मीर के बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। बच्चे, खवातीन, मर्द सभी ईद की खरीदारी में मसरूफ। दूसरी जानिब शहरी बढ़ती हुई महंगाई का शिकवा करते भी दिखाई दिए। हौसले बुलंद हो तो कोई मुश्किल रास्ता नहीं रोक सकती। सनामा के नवाही इलाके कस्बा गोरमानी का रिहायशी मोहम्मद लतीफ कुवते बिनाई से महरूम होने के बावजूद हिम्मत न हारा। मोहम्मद लतीफ लकड़ी का कारखाना चलाकर अपने बच्चों का पेट पालने लगा। और पाकपतन शरीफ के दरियाई इलाकों के जिंदा दिल लोग खुशी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। छोटे छोटे मेले लेकिन खुशियां बड़ी। कबड्डी के मैच और झूमर डांस इनका पसंदीदा खेल।